हेलो एवरीवन, एपिसोड 15 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जीवन जोहन को रोक लेता है और उसे कहता है अगर तुम अभी वहां पर गई तो मिस्टर बेक को काफ़ी शर्मिंदा महसूस होगा। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और मिस हान के पास जाकर कहती है आप अपने पैसे आपके पास ही रखिए, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर उन्हें वो पैसे वापस लौटा देती है, लेकिन मिस हान वो पैसे गिरा देती है, अगर नहीं चाहिए तो डस्टबिन में फेंक देना। जिस पर जोहन कहती है आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर मिस हान कहती है ये सवाल तो तुम अपने डैड से पूछो, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर जोहन अपने डैड से पूछती है कि वो आपको पैसे क्यों दे रही थी, जिस पर डैड कहते हैं मैं उन्हें पैसे वापस दे दूंगा, अभी तुम घर पर चलो। लेकिन जोहन उन्हें रोक कर कहता है आप मुझसे क्या बात करने आए थे, आप अचानक से मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे थे। लेकिन डैड बात बदल कर कहते हैं मैं यहाँ पर तुम्हें ये बताने आया था कि तुम मेरी बेटी से दूर हो जाओ, मेरे रहते हुए तुम दोनों एक नहीं हो सकते, जिस पर जोहन काफी गुस्सा होती है। दूसरी तरफ मिस हान सोच रही थी कि क्या जीवन ने हमारी सारी बातें सुन ली होगी, लेकिन फिर सोचती है कि अगर उसने बातें सुनी होती तो ऐसे नॉर्मल रिएक्ट नहीं करता। दूसरी तरफ डैड जोहन को कहते हैं उसने मुझे पैसे इसलिए ऑफर किए क्योंकि वो चाहती थी कि तुम और जीवन अलग हो जाओ, क्योंकि चेयरमैन नाम का पोता तुम्हें पसंद करता है। जिस पर जोहन कहती है यानी कि आप अपनी बेटी का सौदा कर रहे थे, जिस पर डैड कहते हैं मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तुम जीवन से अभी ब्रेकअप कर लो, जिस पर जोहन काफी गुस्सा होती है, जिस पर डैड उसे चाटा लगा कर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जोहन को सोल का कॉल आता है जो कहती है आप आज मेरे घर पर आई क्यों नहीं, और क्या आपका और डैड का झगड़ा हुआ है, क्योंकि कब से आकर वो कमरे में अकेले बैठे हुए हैं। जिस पर जोहन कहती है ऐसी कोई बात नहीं है और तुम जाकर आराम कर लो। दूसरी तरफ सोल मिनियन को कहती है मुझे जोहन बहुत पसंद है, इसीलिए मैं उन्हें अपनी मोम बनाना चाहती हूँ। ये बात सुनकर मिनियन थोड़ा सैड होती है क्योंकि उसकी मोम तो उसके सामने है, लेकिन वो उसे ये भी नहीं बता सकती कि वो ही उसकी मोम है जो उसे बचपन में छोड़कर चली गई थी। दूसरी तरफ जीवन सोचता है कि आखिर वो दोनों मुझसे क्या छुपा रहे हैं। नेक्स्ट डे जीवन जोहन के पास जाता है। दूसरी तरफ ग्रैंडपा तेहू को कहते हैं मुझे पता चला कि तुम रात को चिल्ला रहे थे, जिस पर तेही कहती है शायद कोई बुरा ड्रीम देख लिया होगा। दूसरी तरफ जोहन जीवन से कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे डैड उनसे पैसे कैसे ले सकते हैं, जिस पर जीवन कहता है शायद उनके पास कोई खास वजह होगी, जिस पर जोहन कहती है नहीं ऐसा मुझे नहीं लगता, वरना वो मुझे जरूर बताते, और आज से पहले मैंने उन्हें कभी साथ नहीं देखा, और मेरे डैड कल उन्हें वो पैसे वापस दे देंगे। लेकिन जोहन अपनी ही सोच में गुम था, तभी टेम भी उन लोगों को साथ में देख लेता है। दूसरी तरफ मिस्टर बेग मिस हान को कहते हैं मैंने उन लोगों से झूठ बोला है कि आपने मुझे वो पैसे जियोन और जोहन को अलग करने के लिए दिए हैं, जिस पर मिस हान कहती है तुमने जो रायता फैलाया है उसे तुम ही समेटना और ध्यान रखना कि तेयुंग को ये बात पता ना चले। दूसरी तरफ मिनियुंग जोहन की मम से मिलने जाती है, जहां पर वो कहती है मुझे पता है कि जीवन एक अच्छा लड़का है, लेकिन सोल को संभालते संभालते तुम्हारे भाई ने अपनी जिंदगी ऐसे ही निकाल दी है, जिस पर मिनियुंग कहती है कि आप सोल की वजह से परेशान है तो आप उसकी चिंता मत करें, मैं उसे संभाल लूंगी, जिस पर मम कहती है उससे क्या फर्क पड़ेगा, रहेगी तो वो जीवन की बेटी ही ना, जिस पर मिनियुंग फिर से उनसे रिक्वेस्ट करती है, जिस पर मोम कहती है मेरी बेटी के लिए चेयरमैन नाम के पोते का रिश्ता आया है, तुम बुरा मत मानना, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ तेयुंग अपने एक दोस्त डॉक्टर के पास जाता है, वहाँ पर जाकर वो ये कहकर अपने ड्रीम के बारे में बताता है कि वो मेरे एक दोस्त के साथ हुआ है, जिस पर वो कहता है तो मुझे डायरेक्टली उससे ही बात करनी होगी, क्योंकि सबका माइंड डिफरेंट होता है, किसी को वो ड्रीम लगता होगा लेकिन किसी के साथ सच में ऐसा हुआ होगा, अगर उसे कुछ भी याद नहीं है तो उससे कहना कि टेंशन ना ले। दूसरी तरफ जोहन को जीवन की बातें याद आती है जो कहता है शायद वो दोनों कुछ हमसे छुपा रहे हैं। फिर जोहन के पास तेयुंग आता है जो लंच के लिए रेस्टोरेंट चलने को कहता है, जिस पर पहले तो जोहन मना कर देती है लेकिन बाद में उसके साथ जाने लगती है क्योंकि उसे तेयुंग से कुछ बात करनी थी। दूसरी तरफ जीवन मिस हान के पास जाता है। दूसरी तरफ जोहन तेयुंग को वो पैसे वापस लौटा कर कहती है तुम अपनी मॉम और बहन से कहना कि हमारे परिवार से दूर रहे और खास करके मेरे डैड से, क्योंकि मेरा प्यार बिकाऊ नहीं है, जिस पर तेयुंग कहता है क्या हुआ है, जिस पर जोहन कहती है वो तुम अपनी मॉम से पूछ लेना, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और तेयुंग मिस हान से काफी गुस्सा होता है। दूसरी तरफ जीवन मिस हान से कहता है आप दोनों कल मिले थे और आप दोनों कल मुझसे क्या छुपा रहे थे, जिस पर मिस हान वही बात करती है मैं तुम्हारा और जोहन का
रिश्ता तोड़ने आई थी। लेकिन जीवन कहता है आप बात को उलझाइए मत और आप मुझे ये बात बताइए कि 9 साल पहले क्या हुआ था जिसकी माफ़ी कल मुझसे मिस्टर बेग मांग रहे थे। कहीं वो बात मेरी मम से तो जुड़ी हुई नहीं है ना। दूसरी तरफ तही एक लेडी के पास जाती है और उसे कहती है तुम्हारी रिपोर्ट अच्छी है, तुम रेडी रहना, तुम्हें कभी भी बुलाया जा सकता है। जिस पर वो लेडी कहती है सर्जरी के पहले मुझे 50% पैसे चाहिए, जिस पर वो कहती है ठीक है। लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। और वहाँ से रास्ते में तही जीवन से मिलती है, वो कहती है क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीना चाहोगे, जिस पर वो भी पहले मना करता है लेकिन बाद में उसके साथ चला जाता है। फिर वो तही से पूछता है कि केंजिन अडल्ट फैसिलिटी से मिस्टर पार्क को तुम जानती हो, उस दिन उस कॉफी शॉप में बैठे थे जहाँ पर तुम और तुम्हारी मोम आई थी, वो वहाँ के इंचार्ज है इसीलिए उन्होंने मुझे चेकिंग नहीं करने दी थी, तो क्या तुम उसे जानती हो और उनका मिस हान से क्या रिलेशन है, क्या वो एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन तही को थोड़ा थोड़ा पता था लेकिन फिर भी वो मना कर देती है ये सोच के कि मैं तुम्हारा साथ पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ क्योंकि तुम मुझे नज़र उठाकर भी नहीं देखते, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जिस रास्ते पर जाओगे वो रास्ता तुम्हें मेरी तरफ ही ले आएगा। दूसरी तरफ तही को मिन्यून का कॉल आता है जो कहती है मुझे तुम्हारी मोम का ऑफर मंजूर है, अगर तुम सोल के डोनेट बनोगे तो मैं और सोल तुम्हारी जिंदगी से दूर चले जाएंगे, लेकिन वो साफ मना कर देता है। जिस पर मिन्यून कहती है तुम जोहन को पसंद करते हो तो क्या मैं उसे बता दूं कि सोल तुम्हारी बेटी है। जिसे सुनकर तयुंग सीधा रेस्टोरेंट पहुंचता है जहां पर मिन्यून और सोल दोनों बैठी थी, जहां पर तयुंग कहता है तुम अभी अभी मुझे धमकी दे रही थी, तुम चाहती हो कि तुम्हारे चक्कर में मैं अपना करियर बर्बाद कर दूं। जिस पर सोल कहती है अंकल आंटी आप दोनों ऐसे झगड़ क्यों रहे हो, जिस पर मिन्यू सोल को समझा के बाहर ले जाती है। तभी तयुंग को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जो कहता है आपने जो लाइसेंस का रिकॉर्ड प्लेयर चेक करने को कहा था लेकिन मुझे उसमें उस हादसे का कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला। तभी तयुंग समझ जाता है कि वो औरत जो विक्टिम बन के आई थी वो झूठ कह रही थी, उसे इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिले हैं, यानी कि वो असली विक्टिम नहीं है। तो मैंने अपनी गाड़ी से किसका एक्सीडेंट किया था, और वो मोम के पोस्टर को देखने लगता है और अपनी मोम की सारी बातें याद करता है, और सारी बातें याद करके उसे पक्का यकीन हो जाता है कि उस दिन उस रात को उसने जीवन की मोम का एक्सीडेंट कर दिया था। लेकिन तभी वहाँ पर जीवन भी आ जाता है और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।